Welcome back, this is Yash Kashid and I'm here to help you to achieve your fitness goal. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वे प्रोटीन के बारे में, which is big muscle का gold वे प्रोटीन। इसको मैं पिछले 3 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। If you have been watching my vlogs, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। So now let's dig into the review. So before this, there's an important thing. This video is divided into 2 parts. First half is for the people who are just here for the information. And second is for the people जिनको सच में ये whey protein खरीदना है. And this whey protein might turn villain in front of your eyes when you watch second half of this video. So just keep watching and let's get started. So सबसे पहले हम बात करेंगे इसके mixability के बारे में। इसकी mixability बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये पानी के साथ, ओट्स के साथ, मिल्क के साथ बहुत ही सही ब्लेंड हो जाता है। यू विल नेवर नो कि आपने वे प्रोटीन भी पिया है। सो मिक्सिबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मिक्सिबिलिटी इज वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, विच इज अबाउट द टेस्ट। नाउ टेस्ट इज नॉट अ मच मैटर, क्योंकि मैंने चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन पहली बार खरीदा है तो मेरे को आइडिया नहीं है कि ये वे प्रोटीन कैसे लगते हैं। बट मेरे को ये टेस्ट सूट नहीं किया क्योंकि मेरे को आदत है 6 महीने से रॉ फ्लेवर्ड वे प्रोटीन खाने की। द टेस्ट थिंग फॉर मी वॉज लाइक आउट ऑफ 5, आई विल रेट दिस 3। Now moving on to the next point, which is a kind of an important point. It is about the macros. तो ये आपको देगा हर स्कूप के पीछे 140 calories, 5.5 grams of BCAA and 25 grams of protein. And इसका around roughly एक स्कूप का वेट रहेगा 30 या 35 grams, which is quite normal. Now moving on to the after use thing. ये observation मेरा नहीं था, ये मेरे मम्मी का observation था actually. क्योंकि जब भी मम्मी ने उस शेकर को धोने के लिए खोला, उस शेकर में से ना बहुत गंदी बदबू आ रही थी। एंड ये कुछ दिनों के बाद मैंने भी खुद नोटिस किया कि आफ्टर यूजिंग दिस वे प्रोटीन इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। जब भी मैं रॉ फ्लेवर्ड वे प्रोटीन यूज़ करता था तभी उतनी गंदी बदबू नहीं आती थी यार, इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आती है। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी स्टार्टिंग में। इट इज काइंड ऑफ नेसेसरी कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। सो या वी आर डन विद द वीडियो फॉर द फर्स्ट हाफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड हाफ। दिस इज काइंड ऑफ अ मोर ऑन द साइंटिफिक साइड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिस माइट टर्न द होल थिंग अराउंड। तो यार देखो, ये लोग बोलते हैं कि इसमें बताया गया है इट हैज जीरो शुगर इन इट, लेकिन आपको लगता है कि इसमें सच में जीरो शुगर रहेगा? ऐसा हो नहीं सकता ना कि इसमें, अगर इसको मीठा बनाया जा रहा है, ये टेस्ट में अगर इतना मीठा है, चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है उसमें से, तो उसमें कुछ तो एलिमेंट रहेगा जो उसको मीठा बना रहा है। सो एक ऐसा एलिमेंट यूज किया जाता है जो इसको मीठा बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी उस एलिमेंट का नाम है स्वीटनर 19S955। अभी ये मैंने यार लिखे रखा है, लिटरली आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी नोट करने जैसी एंड आई कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरी नेम ऑफ द केमिकल्स। आई एम नॉट गुड एट दैट पार्ट, बट या डेफिनेटली इसके रिसर्च पार्ट में मैंने थोड़ी मेहनत की है एंड आई हैव कम अक्रॉस सम क्रेजी शिट। जब भी आप इस स्वीटनर का नाम सुनते हो ना, एंड इफ यू पुट दिस ऑन गूगल, ऑन विकिपीडिया, यू विल फाइंड दिस थिंग कि ये स्वीटनर हर एक प्रोडक्ट में यूज होता है बहुत ही नेचुरली। मतलब इवन इफ यू ईटिंग अ बर्बन, इवन इफ यू ईटिंग अ ओरियो, ये इसमें यूज होगा। आपको जो स्वीट की टेस्ट आती है वो इसी चीज की वजह से आती है एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो आपके वेट लॉस के लिए, जो आपके मसल बिल्डिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। And this can even lead to cancer. If you want to check it for yourself, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करिए, आपको भरोसा हो जाएगा। एंड इसके अलावा इसमें और दो एलिमेंट होते हैं, विच इज सोडियम बेंजोइनेट एंड थिकर 415। अभी ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको अगर खाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। इसका अगर आप हायर इंटेक भी रखते हो तो भी आपकी बॉडी इसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। नाउ एज पर द US फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, जो सोडियम बेंजोनेट ड्रग है वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी माना जाता है कई तरीकों से एंड इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर हेल्थ एट ऑल। एज पर यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, थिकर 415 ड्रग है, ये भी ऐसा कुछ हार्मफुल ड्रग नहीं है आपकी बॉडी के लिए। ये आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट कर सकती है एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। मेरे को ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए व्हेन यू आर बाइंग अ वे प्रोटीन। एंड ये मैंने वे प्रोटीन खरीदने के पहले इसलिए नहीं देखे क्योंकि जब भी मैं इसको खाऊंगा, जब भी मैं इसको मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा है, इसकी टेस्ट ऐसी है, इसकी मिक्सिबिलिटी ऐसी है, तभी तो मैं इसके रिव्यू वीडियो बना पाऊंगा। उसके बिना तो रिव्यू वीडियो बनाने का कोई शक ही नहीं होता है। And there's another important thing when you're buying a whey protein,
वे प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड्स एंड टोटल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड ये 9 अमीनो एसिड हमेशा कोई भी वे प्रोटीन खरीदो उसमें होने ही चाहिए। अगर ये 9 अमीनो एसिड इसमें नहीं है मतलब आपका वे प्रोटीन फॉल्स है, मे बी आपका वे प्रोटीन गलत हो सकता है। सो थिंक बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, ये आपके बॉडी के अंदर रोज जारी है। यू आर ईटिंग वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे इसको कंज्यूम करते हैं एंड दिस माइट टर्न योर हेल्थ अपसाइड डाउन। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड। माय नेम इज यश काशिद, साइन ऑफ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी